डीआरएम ने देदार ट्रेन में आग लगने के कारण उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रतलाम मंडल के डीआरएम रजनीश कुमार ने रविवार रात को आग लगने के बाद हाई लेवल कमेटी को जांच के आदेश दिए थे। रात को ही एडीआरएम अशफाक अहमद व अन्य अधिकारी उज्जैन पहुंच गए थे। रात भर अधिकारियों ने कारणों की जांच की। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए थे। जीआरपी व रेलवे अधिकारियों ने जांच के लिए एफएसएल अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ को भी बुलवाया था। जांच के बाद डॉक्टर गायकवाड़ ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट नहीं है। कोच की सभी बैटरियां सुरक्षित हैं। आग वहां से नहीं फैली थी। रेलवे अधिकारियों आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों का कहना था कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में कोई आता जाता नहीं नजर आ रहा है। एफएसएल अधिकारी का कहना था कि सीसीटीवी कैमरों में प्लेटफॉर्म का आधा क्षेत्र ही कवर हो रहा है, कोच के दूसरी ओर का क्षेत्र कवर नहीं हो रहा है। आग जिस तरह से फैली है उससे लगता है कि किसी शरारती तत्व ने ही आग लगाई है। रेलवे अधिकारी इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ट्रेन के सभी कोच के दरवाजों व खिड़कियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। आगजनी को लेकर रेलवे अधिकारियों आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों में आपसी सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि आगजनी से कोच पूरी तरह जल गया है। पैसेंजर ट्रेनों के कोच की कीमत 80 से 90 लाख रुपए होती है। आग के कारण कोच की सीटें, गद्दे, पंखे, सभी सामान पूरी तरह जल चुका है। रजनीश कुमार डीआरएम रतलाम मंडल के अनुसार खाली कोच में लगी आग को रेलवे गंभीरता से ले रहा है। मामले की जाँच के लिए कमेटी बनाई गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगजनी का कारण स्पष्ट होगा। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। कल हम लोगों ने ट्रेन जो बोगी बताई गई थी उसमें जांच की तो बहुत सारे तथ्य जैसे कि बताए गए थे विवेचना अधिकारी द्वारा, प्रथम दृष्टया में मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। संभवतः कोई खिड़की या दरवाजा कुछ खुला रह गया होगा और बाहरी तत्व द्वारा ट्रेन की बोगी के अंदर ज्वलनशील मटेरियल या कुछ जलता हुआ चीज डाला जाना प्रतीत होता है। हमने इसकी बैटरीज वगैरह भी चूंकि बताया था कि शॉर्ट सर्किट की संभावना है तो बैटरीज वगैरह भी चेक की थी, तो बैटरी में कहीं से कहीं तक कोई बैटरी से बोगी के अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं था। तो जब पावर सप्लाई नहीं था तो शॉर्ट सर्किट की संभावना कैसे हुई? और 2 घंटे पहले इन्होंने ट्रेन को खड़ा किया था बोगी को, और उसके आगे 7 अन्य बोगियां थी, उसके पीछे भी 2 बोगियां थी। तो ओवरऑल देखने पे लगता है कि केवल एक पे अगर पावर शॉर्ट सर्किट हुआ तो केवल एक क्यों बर्न हुई, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो मामला ऐसा लग रहा है कि हो सकता है गलती से कोई विंडो ओपन रह गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो और उसके कारण बोगी में आग लगना। विंडो वहाँ पर ओपन भी देखी गई थी, डब्बे भी कटे हुए, तो कहीं ना कहीं संदेहात्मक मामला। इसमें 2 चीजें हैं। सीसीटीवी कैमरे से जो दिखाई जा रही है वो आधी बोगी दिखाई जा रही है, तो पीछे का व्यू जो है, पीछे के एंगल्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। अगर ऐसा कुछ जानकारी विवेचना अधिकारी ने मुझे तो नहीं बताया, पर ऐसा कुछ हुआ होगा तो संभव हो सकता है कि खाना बनाते वक्त या तो किसी ने गलती से कुछ डाल दिया हो या फिर जानबूझ के। कई संदिग्ध लोग वहाँ पे दारू वारू भी पीते हैं, तो उन लोगों की तो कोई हरकत हो सकती है? हो सकता है, शरारती तत्वों का कुछ हो सकता है।